हेलो गाइस, मैं हूँ शबाना। शबाना किचन में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं, इसको बारीक कट करके रख दिया है, देखिए इस तरह से। और मैंने 2 प्याज भी ली थी, उसको भी अच्छे से बारीक कट करके रख लिया है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था मैंने, उसके लिए टेस्ट के लिए नमक लिया है, 1 चम्मच काला नमक लिया है, देखिए इस तरह से। शक्कर ली है कटोरी भर के, हम हमारे हिसाब से डालेंगे। और अभी गरम मसाला पीसा हुआ ले रही हूँ, उसकी पोटली बना लूँगी। और उस पोटली में हम लोग उसको पोटली बनाकर टोमेटो सॉस के अंदर डालना है। देखिए अभी आगे बताती हूँ मैं इसको कैसे डालना है, ठीक है गाइस? तो चलो अभी चलते हैं हम गैस की फ्लेम की तरफ। गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, देखिए गाइस। उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच जैसे ही पानी डालना है हमें, ठीक है गाइस? और जितने भी टमाटर कट करके रखे हैं तो टमाटर का जो पानी निकलता है ना, उसके साथ हमें सब कुछ डाल देना चाहिए। प्याज, अदरक लहसुन की पेस्ट, टमाटर का पानी और जो पुटलिया है ना, पुटली बनाई थी, वो भी डालना है, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, इसको मिक्स करने के बाद फिर वो पोटली भी सेंटर में रख देंगे ताकि उसका रस अच्छे से उतर जाए। जब उसका रस उतर जाता है तो उसको आराम से बाहर निकाल देना चाहिए, ठीक है? और गरम मसाला किसी भी चीज़ में यूज़ करते हो। हमारा टमाटर अच्छे से गल चुका है, अभी ये पोटली को हम बाहर निकाल के रख देंगे। देखिए इस तरह से आराम से निकालिए, गर्म होती है, चटकाने लग जाए। अब टमाटर ठंडे होने के बाद हम मिक्सी के जार में ये सब टमाटर को डाल देंगे और इसको अच्छे से बारीक सब पीस लेंगे ताकि इसका सब कुछ रस ये अच्छे से बारीक हो जाए, ठीक है? इसको बारीक करने के बाद देखो अभी ये मिक्सर से बाहर निकालेंगे, हमारे चन्नी की मदद से इसको छान लेंगे और जो दरदरा सा है ना वो निकल जाता है, तो दरदरा से को निकाल देना चाहिए। देखिए गाइस, तो ये दरदरा इतना सा ही निकला, ज़्यादा भी नहीं निकला। अब इस पीसे हुए नमक टमाटर को हम कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद इसमें खाने वाला नमक और काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, शक्कर और विनेगर आधा कप, देखो इस तरह से दानेदार बन जाए। तो उसको 15 से 20 मिनट तक पकने देना चाहिए। 20 मिनट के बाद उड़ने लग जाता है और इस तरह से गाढ़ा होने के बाद हम उसके गैस की फ्लेम से निकाल देंगे। तो देखो कितना अच्छे से होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने फटाफट दिखाया, फटाफट बताया आपको। गाढ़ा होने तक रखना चाहिए, एक सासर में देखने का, गिरता है नहीं गिरा तो टोमेटो सॉस तैयार हो गया। तो एक बर्नी में ठंडा होने के बाद जार में भर के आप रख सकते हो। तो देखो इस तरह से टोमेटो सॉस 25 रुपये में टोमेटो सॉस बन जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, रमज़ान का महीना लगता ही है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करना, ज़रूर दुआ में याद करना।